पंजाब दे विच देर रात वड्डा हादसा वापरिया जिथे पंजाब च तेज तूफान रात नूं देखण नूं मिलिया। उत्थे दस दे कि लुधियाणा दे विच जागरण चल रहा सी ते इसे दे दौरान स्टेज जिहड़ी डिग जांदी है जिस दे हेठां आउंदे नाल इक महिला दी जिहड़ी मौत हो चुकी है। सो इमंतभागी घटना जिहड़ी वापरी है। दस दे कि लुधियाणे दे विच जागरण चल रहा सी लेकिन इत्थे जिथे पंजाब दे विच देर रात मौसम ने करवट लई उसे दे दौरान जिहड़ा जागरण दे विच स्टेज जिहड़ी डिग जांदी है उत्तों इह वीडियो जिहड़ी है सोशल मीडिया से लगातार जिहड़ी वायरल हुई है जिस दे विच देखिया जा सकदा है। तुहानू स्क्रीन ते इह तस्वीर दिखा रहे हैं जदों इह हादसा वापरिया है जागरण दे विच पिटावां जिहड़ियां गाईयां जा रहियां सन। इसे दे दौरान भगती दे विच जिहड़े भगत लीन सन लेकिन इक्को दम उत्तों स्टेज जिहड़ी डिग जांदी है। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किवें लोहे दे वड्डे थंब जिहड़े ने लोकां दे उत्ते आ के डिग पैंदे ने। लुधियाणा दे विच देर रात 2 बजे दे करीब इह घटना जिहड़ी वापरी है। तेज तूफान आया जिस दे विच एक महिला की मौत हो गई है। 15 के करीब लोग जख्मी जिहड़े दसी जा रहे हैं। बीती रात हंबड़ा रोड के उत्ते बने श्री गोविंद गोदाम के दस दी कि जागरण का आयोजन किया गया से। जागरण हो रहा से देर रात अचानक तेज़ तूफान आ जाता है तो इस पंडाल जिहड़ा लोगों के उत्ते डिग जाता है तो उत्थे मंदिर के विराजमान शंकर जी की मूर्ति भी डिग के खंडित हो जाती है। सो ये तस्वीरों के देख सकते हो कि जिथे पिटावं गाई जा रहे सन जो श्रद्धालु ने वह भगती के लीन सन लेकिन इसे दे दौरान इक्को दम ही हादसा वापर जाता है। तेज तूफान आता है तो उत्तों के लोहे के चारे पासे जो तुसी देख सकते हो संगले वड्डे थंब जिहड़े बने हुए सन स्टेज के आले दुआले इक्को दम उत्तों जिहड़े डिग पैंदे ने ते नीचे जो लोग बैठे सन या खड़े होणगे विचों उन्हां दे उत्ते जाके इह वड्डे लोहे के थंब पंडाल जिहड़ा इह डिग पैंदा है जिस दे हेठां आउण दे नाल एक जने की मौत जिहड़ी हो गई है तो बाकी गंभीर रूप दे विच जख्मी हुए ने जिन्हों हस्पताल जिहड़ा दाखिल करवाया गया। जागरण के जो पंडाल डिगदा तो कई लोग नीचे आए तो इस दौरान हफड़ा दफड़ी जिहड़ी मच जाती है लोग इधर उधर जिहड़े भज्जन लग जाते हैं। तो उस तो बाद दस दईए कि मौके पर जिहड़े है दसिया जा रहा कि पुलिस भी पहुँचती है। सो कई लोग जिहड़े ने इत्थे दस दईए कि गंभीर रूप के जख्मी हुए ने जिन्हों हस्पताल जिहड़ा भर्ती करवाया गया। सो अचानक पंजाब दे विच देर रात मौसम ने करवट जिहड़ी बदली सी ते इसे दे दौरान लुधियाणा दे विच इह जागरण चल रहा सी जिथों दीआं तस्वीरां तुसीं स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल स्टेज जदों हेठां डिगदी है क्योंकि पहलां पिटावां जिहड़ियां गाईयां जा रहियां सन ते इसे दे दौरान उत्तों दी स्टेज जिहड़ी डिग पैंदी है पंडाल डिग पैंदा है ते हेठां आउण दे नाल इक महिला दी जिहड़ी मौत हो चुकी है ते बाकी जने गंभीर रूप दे विच जख्मी होए ने। अब हुआ क्या है टेंट मतलब कैसे गिरी है सर इसको तो पता नहीं लगा एकदम अंधेरी आई अब उसमें क्या हुआ उसमें कई लोग फ्रैक्चर हुए हमारा तो बेटा सर फटा उसको लेके भाग गए थे बस। ठीक है कोई किसी की डेथ भी हुई है? हाँ जी एक लेडीज की डेथ हो गई। ठीक है बाकी तो उस समय कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? अब तो पता ही नहीं लगा सर हम तो घर पे बैठे थे वहाँ से लेके आए हैं जब यहाँ तो बहुत निकल चुके थे तो बच्चा था छोटा 7 साल का वो हमारी बेटी थी वो लेके उठा के जा रही थी उसको लेके मैं डीएमसी भागा हूँ बंदा को नहीं बता सकता हूँ बयान पता नहीं बंदा कितना हो कोई हिसाब थोड़ी ना था। क्या हुआ था थोड़ा बता देंगे? इतने रात में जो तूफान हवा आई हवा के साथ में पंडाल पलटी मारा अच्छा। ते लोगों के ऊपर गिर गया अच्छा। ते उसमें लोग जख्मी हो गए। कितने लोग जख्मी हुए हैं? लोगों तो पता नहीं कितने बच्चे जख्मी हुए हैं और कितने बंदे जख्मी हुए पता लग गया जनानी भी इस पार कर गई। कह रहे कि 2 से 3 लोग की मृत्यु भी हुई है? एक कति तो पक्का है एक बच्चे भी भर्ती हुए हैं कहने एक की जुबान भी कट गई है। ठीक है तो कितने लोग मौजूद थे जब यहाँ कम से कम 100-150-200 आदमी सीखा थे। रात में जो तूफान हवा आई हवा के साथ में पंडाल पलटी मारा अच्छा। तो लोगों के ऊपर गिर गया अच्छा। तो उसमें लोग जख्मी हो गए। कितने लोग जख्मी हुए हैं? लोगों तो पता नहीं कितने बच्चे जख्मी हुए हैं और कितने बंदे जख्मी हुए पता लग गया जनानी भी इस पार कर गई। कह रहे कि 2 से 3 लोग की मृत्यु भी हुई है? एक कति तो पक्का है एक बच्चे भी भर्ती हुए हैं कहने एक की जुबान भी कट गई है। ठीक है तो कितने लोग मौजूद थे जब यहाँ यहाँ कम से कम 100-150-200 आदमी सीखा।